इफ 9 प्लस रूट अंडर 80 के पावर में n इक्वल टू i प्लस f, वेयर i एंड n आर इंटीजर्स एंड जो f है वो फ्रैक्शन है क्योंकि इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, देन ये चार ऑप्शन बताना है और ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है। देखो 9 प्लस रूट अंडर 80 है ना, इसका पावर में n, दिस इक्वल टू i प्लस f लिखा हुआ है, तो 9 और रूट अंडर 80 में 9 ग्रेटर है, इसीलिए हम लोग 9 माइनस रूट अंडर 80 का पावर में n को मान लेंगे f डैश, ठीक है, जहां पे ये जो f डैश का वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो f डैश का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है और f f जो लिखा हुआ है वो भी 0 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ना 9 प्लस रूट अंडर 80 के पावर में n प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 माइनस रूट अंडर 80 के पावर में n, दिस इक्वल टू में क्या आ जाएगा i प्लस f प्लस f डैश आएगा ना, ठीक है, क्योंकि i प्लस f ये f डैश है। जब ये दोनों को ऐड करते हैं देखो क्या आएगा, जब इसका एक्सपेंशन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से तो ये होता है एन सी जीरो इंटू 9 टू दी पावर में n इंटू रूट अंडर 80 के पावर 0, ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा एन सी 1 9 टू दी पावर में n माइनस 1 और रूट अंडर 80 के पावर में 1 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो एन सी 2 9 के पावर में n माइनस 2 और रूट अंडर 80 के पावर में 2 होगा, ठीक है, इसी तरीके चलते जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन हो गया, प्लस अब सेकेंड वाला का एक्सपेंशन करते हैं, जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये होगा एन सी 0 9 के पावर में n माइनस, क्योंकि माइनस बीच में है तो ये अल्टरनेट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ होगा एन सी 1 और 9 के पावर में n माइनस 1, उसके बाद रूट अंडर 80 आ जाएगा, फिर प्लस एन सी 2 9 के पावर में n माइनस 2 और रूट अंडर 80 का स्क्वायर होगा कि माइनस, ये चलते जाएगा, दिस इक्वल टू i प्लस f प्लस f डैश होगा। तो देखो जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो माइनस वाला टर्म है वो कट जाएगा ना, देखो ये माइनस वाला टर्म कट जाएगा, इसके बाद जो प्लस जो एन सी 3 होगा यहाँ पे एन सी 3 माइनस कट जाएगा। तो देखो जब ऑड वाला सारा टर्म कट जाएगा एन सी 1 एन सी 3 ऐसा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ जो भी बचेगा सबका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि एन सी 0 और एन सी 0 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, तो ये होगा एन सी 0 9 के पावर में n प्लस एन सी 2 9 के पावर में n माइनस 2 और रूट अंडर 80 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरीके से ये टर्म पूरा होगा, टू टाइम्स हो जाएगा सारा ना, और इधर होगा i प्लस f प्लस f डैश, ठीक है। अब देखो जब टू टाइम्स है इसका मतलब क्या हो गया, टू टाइम्स है इसका मतलब ये 2k हो जाएगा, और 2k मतलब एक इवन नंबर, ठीक है, तो 2k इक्वल टू लिख दिए i प्लस f प्लस f डैश। तो देखो f का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक है और f डैश का जो वैल्यू वो भी 0 से लेकर 1 तक है, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो f प्लस f डैश का वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, और 2 के क्या है इवन है मतलब इंटीजर होना चाहिए और i तो इंटीजर है ही, मतलब f प्लस f डैश का वैल्यू भी इंटीजर होना चाहिए, तो 0 से 2 के बीच में है, इंटीजर क्या होगा, तो f प्लस f डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि i प्लस 1 इक्वल टू 2k, तो यहाँ से i कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 2k-1, तो 2k-1 है तो ये तो ऑड होता है ना, इसीलिए एक तो चीज प्रूफ हो गया कि आई इज ऑड, आई ऑड हो जाएगा, तो जब आई ऑड है तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, आई इज एन ऑड इंटीजर, तो एक जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वो तो सही हो गया। इसके बाद देखो तो एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश, एफ डैश मतलब एफ डैश हम किसको माने थे, एफ डैश माने थे 9 माइनस रूट अंडर 80 के पावर में n, तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 माइनस एफ इक्वल टू एफ डैश, दिस इक्वल टू 9 माइनस रूट अंडर 80 के पावर में n, तो 1 माइनस एफ का वैल्यू आ गया 9 माइनस रूट अंडर 80 के पावर n, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ फाइंड करते हैं, तो i प्लस एफ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 9 प्लस रूट अंडर 80 के पावर में n,
और वन माइनस एफ यहाँ पे है डी ऑप्शन में, 9 माइनस रूट अंडर टी पावर में एन। तो वो अब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। देखो दोनों का प्रोडक्ट आई प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ ये लिखते हैं। तो आई प्लस एफ जो है वो है 9 प्लस रूट अंडर 80 के पावर में एन, ठीक है, और 1 माइनस एफ है 9 माइनस रूट अंडर 80 के पावर में एन। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस रूट अंडर 80 इंटू 9 माइनस रूट अंडर 80 और होल पावर में हो जाएगा एन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 81 माइनस बी स्क्वायर मतलब 80, इसका होल पावर में एन मतलब 1 के पावर में एन, ये हो गया 1। तो वह आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू 1 आ गया, जो यहाँ पे सी ऑप्शन में है। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ए सी डी, ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके okay?